रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्सेस। आप लोगों को पता है रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है बिना सोचे, विदाउट थिंकिंग। तो रिफ्लेक्स एक्शन वैसे एक्शन होते हैं जिसके लिए हम लोग सोचते नहीं, ये एक्शन हम लोग बिना थिंकिंग के परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो इस एक्शन में आपका थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं रहता है, इसीलिए इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब ही होता है बिना सोचे, ये क्विक एक्शन होता है, ये एक सडन रिस्पॉन्स होता है। कैसा होता है रिफ्लेक्सेस, कैसे कैसे रिफ्लेक्सेस होते हैं? जैसे आपको कोई बहुत ही डिलीशियस फूड जो आपको बहुत पसंद है, उसका जब आपको स्मेल आता है तो आपका माउथ अपने आप वाटर करना शुरू कर देता है। मतलब आपको जब भी कोई स्वादिष्ट भोजन का सुगंध आता है तो अपने आप आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, इसके लिए आप सोचते नहीं, आप जानबूझ करके ऐसा नहीं करने जाते कि आपके मुंह में पानी आए। जब भी कोई आपके करीब में जब भी कोई वैसा डिलीशियस फूड रखा हुआ होता है जिसका कि आपको स्मेल आ रहा होता है, तो आपका माउथ जो है अपने आप वाटर करना शुरू कर देता है। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसके लिए हम लोग सोचते नहीं है, इसके लिए हमारे दिमाग को अलग से कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं चलाना होता है। और जब भी कभी हम लोग अगर वो भोजन खाए हुए होंगे और वो भोजन हमारे सामने दोबारा होगा और उसका स्मेल हम लोगों को आता होगा, तो हम लोगों को उसका मेमोरी आएगा और उससे हम लोगों को डायरेक्टली अपने आप सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा उसका, और उसमें हम लोगों को थिंक करने की जरूरत नहीं होती है। ये एक क्विक प्रोसेस होता है। नी जर्क जो है आपका, जब आप लोग आपके घुटने पर, घुटने के नीचे अगर आपके पैर पर अगर हाथ से मारा जाए तो आपका पैर अपने आप रेस्पॉन्स में उठता है, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जब लाइट आपके आंख में जो लाइट एंटर कर रहा है उसका जो इंटेंसिटी है लाइट का, अगर वो ज्यादा होता है तो आपके प्यूपिल छोटे हो जाते हैं, जब लाइट का इंटेंसिटी कम होता है तो आपका प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये जो लाइट में चेंज हुआ कि ज्यादा लाइट और कम लाइट, ये आपका स्टिमुलस था, और ये जो प्यूपिल का साइज में चेंज हुआ ये आपका रिस्पॉन्स था। जब आपके एनवायरमेंट में एक चेंज आए, आपके स्मेल में चेंज आए, एनवायरमेंट के स्मेल में चेंज आए, ठीक है, तो वहां पर स्टिमुलस होगा आपका बैड स्मेल और आपका रिस्पॉन्स होगा नॉजिया। जैसे आपको बैड स्मेल पे आप क्या करते हैं कि आपको उल्टी टाइप का आने लगता है, बढ़िया सुगंध आने पे तो आपका माउथ वाटर करने लगता है, लेकिन बैड स्मेल पे आप उल्टी टाइप का आपको महसूस होने लगता है, तो उसको हम लोग नॉजिया बोलते हैं। जब आउटसाइड एनवायरमेंट में टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो, कोल्ड हो, तो स्टिमुलस हमारा कोल्ड होता है, और हम लोग जो शिवर करने लगते हैं, हम लोग ठिठुरने लगते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। हम लोग वो इसलिए ठिठुरते हैं ताकि हमारा बॉडी में हीट जनरेट हो सके, और हम लोग का बॉडी पूरा सारा बॉडी पार्ट्स एक साथ होता है, जिसके वजह से हम लोग हीट एस्केप नहीं होने देते हैं, और ये शिवर करके हम लोग अपने बॉडी में हीट को बनाए रखते हैं और बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लोग इस आउटसाइड कोल्ड एनवायरमेंट से टैकल कर सकें, इसके साथ हम लोग रह सकें, इस एनवायरमेंट में हम लोग सर्वाइव कर सकें, इसके लिए हम लोग शिवरिंग करते हैं, और इसके लिए भी हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। जब हमारे आउटसाइड एनवायरमेंट में टेम्परेचर राइज होता है, गर्मी बढ़ती है, तो स्टिमुलस हमारा हीट होता है और उसके रिस्पॉन्स में हम लोग परस्पायर करना शुरू कर देते हैं, हमें पसीना आने लगता है। आप जानते हैं कि आपके बॉडी पे स्वेट ग्लैंड हैं और ये स्वेट ग्लैंड से आपका थर्मो रेगुलेशन होता है, जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फिर ये स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करने लगते हैं और फिर इससे आपका बॉडी का थर्मो रेगुलेशन होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई के पास आते हैं तो हमारा आई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में आईलिड अपने आप नीचे गिर जाता है, हमारा आंख का जो पलक है वो नीचे गिर के बंद हो करके हम लोगों के आंख को प्रोटेक्ट करता है, और इंसेक्ट को या कोई भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट या डस्ट को हम लोगों के आंख के अंदर नहीं जाने देता है, उससे प्रिवेंट करता है उसको अंदर जाने से, और हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए भी हम लोग सोचने नहीं जाते हैं, ये भी एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है, ये भी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो एक क्विक रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक इमिडिएट रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। उसके लिए हम लोगों को थिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता है, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आप लोग समझ रहे हैं कि ये एक क्विक एक्शन है, ये एक सडन रिस्पॉन्स है, जो चेंज आया है एनवायरमेंट में उसके तरफ दिया हुआ जवाब है ये, और ये किसके द्वारा कोऑर्डिनेट और कंट्रोल किया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड, पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही कोऑर्डिनेट करवाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही इसको कोऑर्डिनेट करवाया जाता है, ब्रेन क्यों नहीं इसको कोऑर्डिनेट करता है? आपको पता है कि
कि ब्रेन तक अगर सिग्नल भेजना होगा तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा आपको ब्रेन तक सिग्नल भेजने में, और आपको पता है कि उसमें बहुत वेस्टेज हो जाएगा क्रूसियल टाइम का, क्योंकि जो सिचुएशन है, जो चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में, हो सकता है कि वो चेंज प्लेजेंट भी हो, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि वो चेंज हार्मफुल हो, डेंजरस हो और इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो वैसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा ये सारा कुछ होने में, कि आपके ब्रेन तक पहले सिग्नल जाए, पहले रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट करे, फिर उसको ब्रेन तक पहुंचाए, ब्रेन में जाकर के थिंकिंग हो। और आपको पता है कि थिंकिंग जो है वो सेरेब्रम में होता है, हमारा थिंकिंग पार्ट हमारा सेरेब्रम है, जो कि फोर फोर ब्रेन में आता है, हमारे स्कल के फॉरवर्ड हिस्से में ये स्थित है, और ये इसमें सिग्नल्स आते हैं हमारे बॉडी के सारे डिफरेंट पार्ट से जिसके ऊपर ये थिंक करता है। तो सेरेब्रम में आपको सिग्नल्स पहुंचाने होंगे, सिग्नल्स को सेरेब्रम तक ले जाना होगा, और सेरेब्रम में आपको पता है कि न्यूरॉन्स के डेंस नेटवर्क हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हैं और इंट्रिकेटली अरेंज्ड नेटवर्क हैं। ठीक है, तो ये डेंस कॉम्पैक्ट और इंट्रिकेटली अरेंज्ड जो नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, ये सेरेब्रम में मौजूद है, और सेरेब्रम तक ले जाना होगा उन सिग्नल्स को, अगर उन पे थॉट और थिंकिंग का प्रोसेस को अप्लाई करना है, मतलब थिंकिंग अगर उसके ऊपर करना है, थिंक करना है अगर उस स्टिमुलस के ऊपर, तो उसको इस सेरेब्रम में ले जाना होगा, तो सेरेब्रम तक उसको पहुंचना होगा। तो क्या इतना समय होता है इमरजेंसी और जो डेंजरस सिचुएशन होते हैं उसमें कि आप ब्रेन तक अपने उस सिग्नल को लेकर के जाइए? देखिए, जैसे हम लोग एक इमरजेंसी सिचुएशन को हम लोग एक एग्जांपल के रूप में कंसीडर करके देखते हैं, जैसे टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ इमरजेंसी सिचुएशन, गर्म वस्तु को छूना एक आपात स्थिति है। हो सकता है कि उसमें वो गर्म वस्तु से आपका हाथ जल जाए, आपको बहुत दर्द हो, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको उससे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं आगे चल के, तो आप वो एक डेंजरस सिचुएशन है, एक हार्मफुल सिचुएशन है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और आपको अपने हाथ को प्रोटेक्ट करना होगा, या जो भी बॉडी पार्ट आपका उस हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो रहा है आपको उसको प्रोटेक्ट करना होगा, ताकि आपके बॉडी में एक होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, जो आपका बॉडी का जो कांस्टेंट प्रोसेस है, बॉडी का जो कांस्टेंट कंडीशन को मेंटेन रखने का प्रोसेस है वो आपका चलते रहे। इसके लिए आपको बॉडी को प्रोटेक्टेड रखना होगा, और ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में आपको अपने बॉडी को उस हीट से, उस पेन से, उस बर्न से आपको प्रिवेंट करना होगा, अपने बॉडी पार्ट्स को बचाना होगा। तो वो बचाने के लिए अगर वो सिग्नल्स को सेरेब्रम तक भेजा जाएगा, और सेरेब्रम में फिर उसके ऊपर थिंकिंग होगा, और थिंकिंग किस तरीके से हो सकता है? हाँ, थिंक ऐसे भी हो सकता है कि पेन के बारे में थिंकिंग किया जाए, कि पेन कैसा है, कितना पेन होगा, कितने दिन तक पेन रहेगा, और उतने ही देर में आपको ये भी सोच लेना है थिंकिंग में कि हो सकता है कि ज्यादा जल जाए, संभावना है कि बहुत ज्यादा जल जाए, ठीक है, तो उसके जलने के संभावना के बारे में भी सोचना है, पेन के बारे में भी सोचना है। तो हाथ तो वहां से हटाना ही है आपको, लेकिन उसके लिए अगर इतना सारा प्रोसेसेस इन्वॉल्व करेंगे कि आप पहले पेन के बारे में सोचेंगे, और आप बर्न होने के बारे में सोचेंगे कि आप कितना जलेंगे, जलेंगे नहीं जलेंगे, ये सब सोचने में अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, और उस इमरजेंसी सिचुएशन में आपको बहुत डैमेज पहुंच जाएगा। तो उस डैमेज से बचने के लिए इमरजेंसी सिचुएशंस में हम लोग थिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और ये सारा कुछ स्पाइनल कॉर्ड ही कोऑर्डिनेट कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड, बस स्पाइनल कॉर्ड्स में भेज दिए जाते हैं जो स्टिमुलस होता है उसको। जैसे आपको पता है स्टिमुलस क्या होता है, चेंज इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। एनवायरमेंट में जो भी बदलाव आया उसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे कि लाइट में जो चेंज आया था, ब्राइट लाइट और डिम लाइट, वो लाइट का स्टिमुलस था जो कि हमारे आईज डिटेक्ट करते हैं। स्मेल, जो स्मेल में जो चेंज आया था, गुड स्मेल था तो हम लोगों का माउथ वाटर करना स्टार्ट कर दिया था, और जब बैड स्मेल था तो हम लोग वॉमिट करने लगे थे। तो ये जो स्मेल का जो सेंसेशन है आपका, ये स्टिमुलस है, और इसका जो हम लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, वाटरिंग ऑफ माउथ और वॉमिटिंग, ये जो हम लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, सेलिवेशन और वॉमिटिंग, ये जो नॉसिया, ये जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ये रेस्पॉन्स हमारा उस स्टिमुलस के जवाब में है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स क्या है। रेस्पॉन्स दरअसल हम लोगों का जो चेंज हुआ है एनवायरमेंट में, उसके उसके लिए जो हम लोग प्रतिक्रिया दिए हैं, जो एक्ट किए हैं, रिएक्ट किए हैं, द रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। हम लोग जो रिएक्ट करते हैं स्टिमुलस की तरफ, उसको हम लोग रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो जैसे आपका चेंज इन एनवायरमेंट हुआ था, टेम्परेचर का चेंज अगर हुआ तो आप क्या किए कि टेम्परेचर बढ़ने पे आप
सिर्फ आप परस्पायर करना स्टार्ट कर दिए। जब गर्मी बढ़ी तो आपको स्वेटिंग होने लगा, पसीना आने लगा। जब ठंड बढ़ी तो आप शिवर करने लगे, आप ठिठुरने लगे, कांपने लगे। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर का बढ़ना और घटना स्टिमुलस था, और उसमें शिवर करना और उसमें आपका परस्पायर करना, ये आपका रिस्पॉन्स था। तो आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, आप लोगों को क्लियर है कि क्या है? और अलग अलग एग्जाम्पल से भी हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स को समझ सकते हैं। आप लोग अभी ये स्किन वाले रिस्पॉन्स और स्टिमुलस को समझें, और आपके आई में जो ब्राइटनेस का जो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस था उसको समझें, और नोज में जो आपका रिस्पॉन्स था, जो नोज में आपका स्टिमुलस गया बैड स्मेल और गुड स्मेल का, उसका जो आप रिस्पॉन्स दिए वोमिटिंग और नौसिया करके, ये आप समझें। और भी अलग अलग रिस्पॉन्सेस हम लोग अलग अलग सिचुएशंस पे देते हैं, और वो सिचुएशन हार्मफुल हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, और उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये क्विक पाथवे अपनाते हैं कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में ही बस वो स्टिमुलस को भेज दिया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड उसके ऊपर विचार करके, उसके ऊपर थिंक अपॉन करके, स्पाइनल कॉर्ड में थिंकिंग नहीं होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करता है कि ये किस तरह का स्टिमुलस है, इस पे कैसे रिएक्ट करना है, और सिंपली बस मसल मूवमेंट करवा के क्या बॉडी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। स्पाइनल कॉर्ड ये डिसीजन लेके मसल मूवमेंट्स करवाता है, और मसल का मूवमेंट होकर के आपका बॉडी प्रोटेक्ट हो जाता है। जैसे जब कोई इंसेक्ट आपके आंख के पास आ रहा था, तो आईलिड अपने आप, जो आपका आईलिड नीचे आया, उससे आपका वाइटल ऑर्गन जो आई है वो प्रोटेक्ट हो गया, उससे आपका आई को प्रोटेक्ट कर लिया गया, वो आईलिड के नीचे आने से, आंख के पलक के नीचे आने से आपके आंख को बचा लिया गया इंसेक्ट से, धूल के कणों से, और किसी डेंजरस हार्मफुल ऑब्जेक्ट से भी आप अपने आंख को बचा सकते हैं उस मैकेनिज्म के जरिए। तो ये आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था, और एक डेंजरस और इमरजेंसी सिचुएशन में ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपनाया गया था। तो ये आईलिड के झपकने के लिए जो मसल्स के जो टिश्यू है यहाँ पर, उनसे आपका स्पाइनल कॉर्ड कांटेक्ट में रहता है आपके मोटर नर्व्स के जरिए, और जब यहाँ से आंख से आपके विजन जब जाते हैं ब्रेन तक, ब्रेन में जब पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट पहुंचने वाला है, तो वो मतलब उसका जो स्टिमुलस है वो आपके ब्रेन में जाकर के, जब उसका उतना थॉट प्रोसेस किया जाएगा उसके बारे में कि ये नोकीला है, ये डेंजरस है, हार्मफुल है, कितना नुकसान होगा, इतना जब आकलन करने जाएंगे तब तक मैं आंख में नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए ब्रेन तक ना भेज करके उस सिग्नल्स को सीधे स्पाइनल कॉर्ड में भेजा जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड सिंपली बस आईलिड के मसल को एक सिग्नल देता है कि तुम मूव करो, और स्पाइनल कॉर्ड के उस सिग्नल से आईलिड मूव करके हमारे आईज को प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये सब हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं आखिर ये हमारा पूरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये काम कैसे करता है, और कैसे हमारे बॉडी में ये वर्क कर रहा है। आप लोग अभी तक जाने स्टिमुलस क्या है, चेंज इन एनवायरमेंट को हम लोग स्टिमुलस बोले, और रिस्पॉन्स क्या है इससे भी आप लोग फैमिलियर हो चुके हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि हम लोग इस रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे में, इसके रिफ्लेक्स आर्क में डिस्कस करेंगे कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। आप जानते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि सेंसरी न्यूरॉन्स वैसे न्यूरॉन्स थे, वैसे नर्व्स थे जो कि सिग्नल्स को लेकर के जा रहे थे रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, ठीक है। ये स्टिमुलस को लेकर के जा रहे थे, ये सिग्नल्स कैसे थे, ये स्टिमुलस के सिग्नल्स को लेकर के जा रहे थे, और आपके जो मोटर नर्व्स हैं ये रिस्पॉन्स को लेकर के जाते हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर मसल्स की ओर या इफेक्टर ग्लैंड्स की ओर, ठीक है। वहां पर आपके ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स को लेकर के जाते हैं मोटर नर्व्स, तो आपके सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, और एक होते हैं मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स जो होते हैं वो जंक्शन होते हैं सेंसरी और मोटर नर्व्स के, और वो मिक्स्ड नर्व्स कभी सेंसरी नर्व्स के रूप में भी काम करते हैं, कभी मोटर नर्व्स के रूप में भी काम करते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं, मिश्रित नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स, इनके पाथवेज हैं स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जो कि एक रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं। होता क्या है कि जो स्टिमुलस है वो रिसेप्टर से एक्सेप्ट किया जाता है, रिसेप्टर उस स्टिमुलस के सिग्नल को सेंसरी नर्व्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है, और स्पाइनल कॉर्ड से वहां के जो नर्व्स के जो नेटवर्क होते हैं उन्हीं नर्व्स के नेटवर्क में डिसीजन लिया जाता है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट होगा, बॉडी को कैसे बचाना है, कैसा सिचुएशन है, और उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स जनरेट होकर के मिक्स वो न्यूरॉन्स के नेटवर्क से होते हुए मोटर नर्व्स के जरिए इफेक्टर मसल्स तक जाता है, और इफेक्टर मसल्स को वो मूवमेंट का सिग्नल पहुंचता है, तो इफेक्टर मसल वहां पर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट को करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बॉडी प्रोटेक्ट हो पाता है। जब एक डेंजरस सिचुएशन होता है, जैसे टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ डेंजरस सिचुएशन, इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, वैसे सिचुएशन में जब आप उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं
तो उस हॉट ऑब्जेक्ट के टच करने पे जो टेम्परेचर का राइज का जो सेंसेशन है वो स्टिमुलस है जो आपके स्किन के रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस स्टिमुलस को स्किन के रिसेप्टर से, थर्मो रिसेप्टर से भेज दिया जा रहा है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और ये सिग्नल्स को, ये जानकारियों को कौन लेकर के जा रहे हैं अपने साथ, इन जानकारियों को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं सेंसरी नर्व्स। और ये जब हॉट ऑब्जेक्ट के टच होने पर उस हॉट टेम्परेचर का जो सेंसेशन है, उसका जो स्टिमुलस है, उसका जो सिग्नल है, वो सेंसरी नर्व्स के जरिए जब स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है तो स्पाइनल कॉर्ड उसके ऊपर डिसीजन लेता है कि ये जो बर्निंग सेंसेशन है, ये सेंसेशन सीरियस सिचुएशन है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, या फिर नॉर्मल सिचुएशन है। जब स्पाइनल कॉर्ड को लगता है कि ये एक सीरियस सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है और इसमें उसको रिएक्ट करना चाहिए, तो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स के जो नेटवर्क होते हैं वहां से एक स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और वो रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन्स के जरिए पहुंचा दिया जाता है इफेक्टर मसल्स तक। तो ये जो पूरा पाथवे है, द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पूरा मार्ग है, ये जो पूरा रास्ता है रिफ्लेक्स एक्शन का, इसी रास्ता को, इसी मार्ग को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझे रिफ्लेक्स आर्क क्या है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, रिफ्लेक्स एक्शन क्विक एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन सडन रिस्पॉन्स होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट। जो पर्यावरण में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव के खिलाफ जो हम लोग जवाब दिए हैं वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन रिस्पॉन्स, ये तुरंत दिया गया उत्तर है, तुरंत दिया हुआ प्रतिक्रिया है। रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक प्रतिक्रिया है, एक जल्द तुरंत दिया गया प्रतिक्रिया है, बहुत जल्दी में दिया गया प्रतिक्रिया है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और ये सडन रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स है, और ये विदाउट थिंकिंग ये रिस्पॉन्स दिया जाता है, इसमें नो थिंकिंग इज इन्वॉल्व, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता। आपको पता है ये रिफ्लेक्स एक्शन के जो सिग्नल्स हैं ये कितने स्पीड से ट्रेवल करते हैं? आपको पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन के सिग्नल्स 80 to 120 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल करते हैं नर्व सेल में। ये जो नर्व सेल है, आप जानते हैं नर्व सेल, और नर्व सेल इज अ स्टार शेप्ड सेल विथ अ टेल। आप जानते हैं नर्व सेल के डिफरेंट पार्ट्स को, आपने पहले भी पिछले वीडियो में भी देखा था, और आपने ड्राइंग भी बनाया है इसका, आप लोग सब अच्छे से अवेयर हैं कि नर्व सेल इज ए स्टार शेप्ड सेल विथ अ टेल। और इसके स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के एक एंड पे आपके डेंड्राइट्स हैं, और वो डेंड्राइट्स कनेक्टेड है आपके सेल बॉडी से, जिसको कि हम लोग एक्सॉन सेल बॉडी भी बोलते हैं, और सेल बॉडी कनेक्टेड है एक्सॉन से, एक्सॉन्स कवर्ड है माइलिन सीथ से, और उन माइलिन सीथ के बीच में जो गैप है वहां पर नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है, और माइलिन सीथ को हम लोग न्यूरोलेमा भी बोलते हैं। और फिर आपका ये जो माइलिन सीथ से कवर्ड जो एक्सॉन है, वो एक्सॉन जब टर्मिनेट करता है, जब एंड होता है, तो उसके एंड्स को एक्सॉन टर्मिनल्स या एक्सॉन एंडिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और हर एक्सॉन एंडिंग्स के पास में दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट आके कनेक्ट होते हैं, और उस दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट और एक्सॉन एंडिंग्स के बीच के गैप को हम लोग साइनैप्स बोलते हैं, या साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इन्हीं साइनैप्सेस से सिग्नल जंप करके दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, और वो नर्व सेल फिर सिग्नल को दूसरे नेक्स्ट सक्सेसिव नर्व सेल को भेजता है, और इस तरीके से ये सारे नर्व सेल आपस में कनेक्ट होकर के सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पाथवे बनाते हैं आपके बॉडी में, हर जगह आपके ये नर्व सेल मौजूद हैं। आपको पता है कि आपके बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आपका आई एक सेंस ऑर्गन है, आपका नोज सेंस ऑर्गन है, आपका ईयर सेंस ऑर्गन है, टंग सेंस ऑर्गन है, और आपका स्किन सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है ज्ञान इंद्री, मतलब ये हम लोगों को ज्ञान देते हैं, ये हम लोगों को नॉलेज देते हैं, ये हमारे एनवायरमेंट का नॉलेज देते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में क्या हो रहा है और सारी स्थितियां कैसी है एनवायरमेंट की, इससे हमें जागरूक करवाता है, ठीक है। तो ये ज्ञान इंद्रियां किन किन चीजों की ज्ञान दे रही है, जैसे जो आपका आईज है, आईज गिव्स अस नॉलेज ऑफ विजन, हमारे आंख हमें जो देखने की जो ज्ञान है, दृष्टि का जो ज्ञान है, वो प्रदान कर रहे हैं। हमारे जो कान हैं, हमारे कान हमें सुनने का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो ध्वनि है, जो आवाजें हैं, जो संगीत है, उनका ज्ञान हमारे कानों के माध्यम से हमें हो पाता है। तो ये एक सेंस ऑर्गन है, हमारे कान भी जो है, आवर इयर्स आर आवर सेंस ऑर्गन, एंड दे गिव्स अस द नॉलेज ऑफ
साउंड एंड म्यूजिक. ओके सो आवर ईयर इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन, आवर आईज आर सेंस ऑर्गन, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज आवर नोज. वी नो दैट वी डिटेक्ट स्मेल थ्रू आवर नोज एंड द नोज गिव्स अस द नॉलेज ऑफ स्मेल. हम लोग, हमारा जो नाक है वो हमें गंध, सुगंध और दुर्गंध का जो ज्ञान है वो प्रदान करता है. हमारे नाक में आपको पता है कि रिसेप्टर्स मौजूद हैं, हमारे सारे सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उसके बारे में आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे. पहले भी सारे सेंस ऑर्गन को जानते हैं. तो आपके नाक आपका स्मेल डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो एनवायरमेंट में जो स्मेल का चेंज है उसको आपको बता रहे हैं. आपका जो स्किन है वो आपको पेन का सेंसेशन देता है, टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है उसका सेंसेशन देता है, जो गर्मी बढ़ी है तो उसके बारे में आपका स्किन आपको ज्ञान देता है, जो ठंड बढ़ी है तो उसके बारे में आपका स्किन आपको ज्ञान देता है. तो आपका स्किन जो है वो भी एक सेंस ऑर्गन है. आपको पता है इन सभी सेंस ऑर्गन्स पे आपके रिसेप्टर्स मौजूद हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं, और ये स्पेशलाइज्ड सेल काम करते हैं सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने का. जो बाहरी एनवायरमेंट में, जो बाहरी पर्यावरण में जो बदलाव होते हैं, जो बदलाव रोशनी में होती है, जो बदलाव आवाज में होती है, जो बदलाव तापमान में होता है, जो बदलाव गंध में होता है, ठीक है, तो इस तरीके से जो अलग अलग बदलाव हैं, चाहे वो दृष्टि में उसका दिखने में जो बदलाव हो रहे हैं, उसके कलर्स में जो चेंज है, उसके ब्राइटनेस में जो चेंज है, उसका साउंड में जो चेंज है, एनवायरमेंट में जो साउंड्स आ रहे हैं उसमें जो चेंज आया है, एनवायरमेंट में जो स्मेल आ रहा है उसका जो चेंज है, और जो एनवायरमेंट में जो चीजें हैं उसकी जो टेस्ट है, टेस्ट का जो चेंज है, जो टेस्ट में जो चेंज आ रहा है, ये भी आपका एक स्टिमुलस है. आपका टंग जो है वो एक सेंस ऑर्गन है और ये आपको टेस्ट का ज्ञान दे रहा है, आपको टेस्ट का नॉलेज दिला रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सौर है, स्वीट है, बिटर है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, क्या है, ये हम लोगों को ज्ञान हमारा जीभ दे रहा है, हमारा टंग दे रहा है, वो भी एक सेंस ऑर्गन है. हमारे पांच सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है, आंख, कान, नाक, जीभ और हमारा त्वचा, हमारी स्किन, ठीक है. तो इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. इन 5ों सेंस ऑर्गन्स पे आपके रिसेप्टर्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं. कौन कौन से रिसेप्टर्स कौन कौन से ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन्स में हैं ये हम लोग देखते हैं. आपके आईज में रॉड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल मौजूद हैं. ये रॉड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल आपका ब्राइटनेस का जो इंटेंसिटी है, लाइट का जो इंटेंसिटी है और जो कलर का चेंज है इसको डिटेक्ट करते हैं. ये आपके आई में मौजूद रिसेप्टर्स हैं, ठीक है. तो आई के रिसेप्टर्स रॉड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल. आपके कान में आपके ऑडियो रिसेप्टर्स मौजूद हैं. ये आपको ध्वनि का, जो संगीत है, जो आवाज है, उसका ज्ञान आपके आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं, ठीक है. तो ये कान में आपके रिसेप्टर्स मौजूद हैं और ये रिसेप्टर्स ऑडियो रिसेप्टर्स कहे जाते हैं. आपके नाक में आपके जो नोज है, आप जाने कि वो भी एक सेंस ऑर्गन है, और आपके नाक में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाम के रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं और ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं. यही रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ही हमें स्मेल के बारे में बताते हैं कि प्लेजेंट स्मेल है, फाउल स्मेल है, ठीक है. तो स्मेल जो हम लोग अलग अलग डिटेक्ट कर पाते हैं वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के बदौलत कर पाते हैं. हमारे जीभ पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स मौजूद है और जो डिफरेंट टेस्ट हम लोग फील कर पाते हैं कि कोई, जैसे हम लोगों का चिली जो है, मिर्ची जो है, वो उसका हम लोग तीखा स्वाद महसूस कर पाते हैं, स्वीट्स का हम लोग मीठा स्वाद महसूस कर पाते हैं, और मिक्सचर का हम लोग नमकीन स्वाद महसूस कर पाते हैं. तो वो नमकीन, मीठा और तीखा स्वाद महसूस करने के लिए हमारे जीभ पर गस्टेटरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं स्वीट, सॉर, बिटर टेस्टेस को, ठीक है. तो ये टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स हमारे जीभ पे भी मौजूद हैं, उनको बोला जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स. हमारे पूरे बॉडी के स्किन पे टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए थर्मोरिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं. आपके पूरे बॉडी पे थर्मोरिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं जो कि आपके स्किन के ऊपर हैं. वो थर्मोरिसेप्टर सेल टेम्परेचर में आए हुए चेंज को डिटेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर आउटसाइड एनवायरनमेंट का हीट है, गर्म है या कोल्ड है, इस बात को वो डिटेक्ट करते हैं आपके थर्मोरिसेप्टर्स. और जिस तरीके का स्टिमुलस मिलता है थर्मोरिसेप्टर्स को, उस तरीके का वो रिस्पॉन्स फिर जनरेट होता है. आप जानते हैं थर्मोरिसेप्टर्स जब आपके हीट के सिग्नल को एक्सेप्ट करके आपके बॉडी में पहुंचाते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, कि बहुत हीट है आउटसाइड एनवायरनमेंट में,
तो उसके लिए बिना सोचे ही आपके आपको आपके दिमाग से इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है कि बहुत गर्मी लग रही है, पसीना चलना चाहिए। ये अपने आप ही स्वतः ही अपने आप ही क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के रूप में आपका बॉडी स्वेट करना स्टार्ट कर देता है। जब बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो आप ऑटोमेटिकली स्वेट करने लगते हैं, आप अपने आप आपको पसीना आने लगता है। तो ये पसीना जो आता है ये आपके बॉडी में थर्मो रेगुलेशन करने के लिए आता है, ताकि आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। जब आउटसाइड एनवायरमेंट का टेम्परेचर हाई है तो ये स्वेटिंग हो करके जब हवा लगता है आपको, जब हवा से आपके ऊपर का स्वेट इवापोरेट होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट महसूस किया जाता है, तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो इस तरीके से आपके बॉडी के ऊपर ये जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं ये जब आउटसाइड एनवायरमेंट से हीट के सिग्नल लेके गए तो फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स आए कि स्वेटिंग किया जाए, ताकि थर्मो रेगुलेशन हो सके और आपके बॉडी को आउटसाइड एनवायरमेंट के हीट से प्रोटेक्ट किया जा सके और आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें, थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस कर सकें। इसलिए ये परस्पिरेशन होता है। जब आउटसाइड एनवायरनमेंट में आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कोल्ड होता है आउटसाइड एनवायरनमेंट में, तो आपके यही थर्मो रिसेप्टर्स उस कोल्ड के स्टिमुलस को डिटेक्ट करके नर्व सेल के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक इस जानकारी को भेजते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड फिर मोटर नर्व्स के जरिए रिस्पॉन्स भेजता है कि शिवरिंग स्टार्ट करने के लिए। तो आप अपने बॉडी में ठिठुरन शुरू हो जाती है, आप सिकुड़ के बैठ जाते हैं और कांपना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है और आप आउटसाइड एनवायरनमेंट के कोल्ड से बच पाते हैं और आपको रिलैक्स महसूस कर पाते हैं, कंफर्टेबल महसूस कर पाते हैं। जब भी आउटसाइड एनवायरनमेंट में लाइट बहुत ज्यादा होता है तो आप जानते हैं आपके जो प्यूपिल हैं वो छोटे हो जाते हैं, और जब लाइट बहुत कम होता है तो आपका प्यूपिल बड़ा हो जाता है। ये भी आपका आईज का प्रोटेक्शन के लिए है, आपके आईज के लेंस का और उसके रेटिना के प्रोटेक्शन के लिए। अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर उनके अंदर जाएगा तो उनको डैमेज कर सकता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए ये आपका जो प्यूपिल है ये बड़ा और छोटा होता है। ये भी आपका स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही कोऑर्डिनेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, इसके लिए भी आप अपने दिमाग से सोचने नहीं जाते हैं। ये क्विक एक्शन होता है, एक सडन रेस्पॉन्स होता है जो आउटसाइड एनवायरमेंट में चेंज आया है उसके लिए। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके आंख की तरफ उड़ता हुआ आता है तो आपका आईलिड अपने आप झपक जाता है, आपका पलक अपने आप झपक जाता है, आपका आईलिड शट हो जाता है और आपके आईज को प्रोटेक्ट करता है, उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से आपके आईज को बचाता है। और इस तरीके से ये जो आईलिड का झपकना है, पलक का झपकना है, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट उड़ करके आ रहा था आपके आंख के सामने, तो उस समय आपके आंख के सामने एक इमरजेंसी सिचुएशन था, और उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अगर थिंकिंग को इन्वॉल्व किया जाता तो बहुत डैमेज हो सकता था आंख को। तो डैमेज से बचने के लिए थिंकिंग को प्रिवेंट किया जाता है, थिंकिंग को नहीं किया जाता है, थिंकिंग से बचा जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड ही कोऑर्डिनेट कर देते हैं। बस सिंपल मस्कुलर मूवमेंट्स करा करके आपके बॉडी के मसल्स के मूवमेंट से आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स और वाइटल पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का काम है आपके बॉडी में हो रहा है, ये आपके लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये आपके बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है बिना सोचे दिया गया प्रतिक्रिया। ठीक है, तो अब आप सभी बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विच इज गिवन टू अ चेंज इन एनवायरमेंट। ओके, द चेंज इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड अ स्टिमुलस, द चेंज इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। ओके, एंड द रिएक्शन दैट वी गिव टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। सो इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज स्टिमुलस, व्हाट इज रिस्पॉन्स, एंड नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक ऑटोमेटिक सडन रिस्पॉन्स गिवन टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट, एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाई स्पाइनल कॉर्ड। ओके, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इन आवर बॉडी, आवर मसल सेल्स रेगुलरली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, एंड यू नो टू मेंटेन द पोस्चर ऑफ आवर बॉडी टू स्टैंड, आवर मसल सेल्स रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हम लोग सीधा जो खड़ा रह पाते हैं उसमें भी हमारे मसल सेल्स रेगुलरली जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बदौलत ये हो पा रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए ये स्पाइनल कॉर्ड और ये रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही जरूरी है, और रिफ्लेक्स आर्क जो है
वो आप लोग याद रखेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. बहुत बहुत धन्यवाद.